स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच पहला T20 मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हरा दिया। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 160 रनों का लक्ष्य दिया था। दोस्तों, अब बात करें इस मैच की, तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इस मैच के लिए भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए शिखर धवन और के राहुल ने भारतीय टीम को खुशहाली दी और 11 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। दोस्तों, शिखर धवन एक रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, इसके बाद कप्तान विराट कोहली और के राहुल ने मिलकर भारत की सफारी को संभालने की कोशिश की और 48 के स्कोर तक भारत का स्कोर पहुंचाया। इसके बाद विराट कोहली भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन ने के राहुल से मिलकर भारतीय पारी को संभाला और स्कोर को 86 रन तक पहुंचाया, लेकिन संजू सैमसन भी 23 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, इसके बाद मनीष पांडे 2 और के राहुल भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, एक वक्त भारत का स्कोर 16 ओवरों में 5 विकेट नुकसान पर 93 रन था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भारत की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी 100 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों, रविंदर जडेजा ने आक्रमक पाली खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवरों में 160 रन के पार पहुंचाया। दोस्तों, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन के राहुल ने बनाए, के राहुल ने 55 रन बनाए और रविंदर जडेजा ने भी 44 रनों का योगदान दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क को 2, हेनरिक्स को 3 और एडम जंपा को 1 विकेट मिला। दोस्तों, 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने आक्रमक शुरुआत की और पहले विकेट के लिए डार्सी शॉट और एरन फिंच ने 55 रन जोड़े। फिंच 35 रन बनाकर युजवेंद्र चहल की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद समित 12, मैक्सवेल 2 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, इसके बाद हेनरिक्स ने 30 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी दीपक चहर की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों, इसके बाद डार्सी शॉट भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। अंत में ऑस्ट्रेलिया की टीम के निचले खिलाड़ियों ने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिता नहीं पाए और टीम इंडिया ने इस मैच को 11 रनों से जीत लिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डार्सी शॉट ने 34 रन, फिंच ने 35 और हेनरिक्स ने 30 रन बनाए। वहीं भारत की तरफ से टीम राजन और युजवेंद्र चहल को 3-3 विकेट मिले। वहीं दीपक चहर को 1 विकेट हासिल हुआ। दोस्तों, बाद वहीं दीपक चहर और युजवेंद्र चहल और बिशनर सुंदर ने बढ़िया गेंदबाजी की। तो दोस्तों, आप सीरीज का अगला मैच 6 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें और स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।